लाहौर की दुनिया, ये है लाहौर की दुनिया, लोर की दुनिया, ओ ओ लाहौर की दुनिया, लाहौर की दुनिया, लोर न्यूज की दुनिया है तो खबरें सुन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू योर शो भूजो तो जीतो। आपकी होस्ट अलीना हारून। आज हम हैं यूसीबी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। यहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत सारी छेड़खानी और बहुत सारा मज़ा। मुझे सुनने में आया है कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो देखते हैं यहाँ पे उनमें कितनी अकल है, कितनी ज़हानत है। उनसे बात करते हैं, उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं। आज मेरी शाही है ये गाड़ी, आजा कर ले सवारी, दिल्ली गेट से लोहारी, खाए हरीसा और निहारी, आ दिखाऊं तुझे प्यारे शाला मार के फवारे, किला शाही के नजारे, सारी गलियां चौबारे, दोनों रावी के किनारे, शाही मस्जिद के मीनारे, बड़े दिल वाले सारे लांदे लारी अड्डे लारे, रहते सासी लीडर आना, खबर लूंगा मैं छान, ना तू हो परेशान, तेरी बनू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम हाशमी। क्या करते हो? BS बायोटेक्नोलॉजी। कैसी जा रही है स्टडीज? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, समझ गई। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? कोई स्पोर्ट्स या किसी भी चीज़ में? फिर भी कोई एक जो स्पेसिफिक ज़्यादा हो? स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी होती है उन सब में इंटरेस्ट है। ऑलराइट। अच्छा, इस वक्त प्रोग्राम में भूजो तो जीतो में। ऑलराइट, ओके, आपसे क्वेश्चन करूंगी, सही जवाब देने पे प्रोग्राम की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। मुझे ये बताएं, एक बच्चा जो अफ्रीका में पैदा हुआ है, उसके दांतों का रंग क्या होगा? जो सबका होता है, वाइट, येलो। अफ्रीका में बच्चे के वैसे दांत नहीं होते, जब तक वो 6 माह या 1 साल का नहीं होता तब तक उसके दांत नहीं आते। की बात है। हाँ, साइंसेस के स्टूडेंट है, इतना तो पता होगा हमें। बिल्कुल सही जवाब अपने लिए। क्या प्रोग्राम की तरफ से आपको जी। नाजीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे पीछे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कुछ खा पी रहे हैं, कुछ इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे गर्ल हैं, हम इनसे बात करने लगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? पिया शाहिद। पिया, क्या करते हो? मैं BBA की स्टूडेंट हूँ, मैं लास्ट सेमेस्टर है। Alright, तो कैसी रही स्टडी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अभी तक तो लास्ट सेमेस्टर है मेरा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। Alright, अच्छा, तो इस वक्त प्रोग्राम में भूजो तो जीतो में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, सही जवाब पर प्रोग्राम की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। ऑलराइट, ओके, रेडी है? जी जी बिल्कुल। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, वो कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी लेकिन लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? नाम। नाम आपका? नाम जी, माय नेम। आर यू श्योर? यस, 100%। यस, लॉक कर दो। आई थिंक सो, लॉक कर दो। ओके कर जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रोग्राम की तरफ से आपके लिए। जान नान कीने वाला गान, गीत प्यार वाला गान, शाही मल्ले की पहचान, भजे पाए की दुकान, यहाँ जश्न बहार सज नहर हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इज़्ज़तुल्लाह खान है। क्या कर रहे हैं आप? मैं PharmD कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो कैसी रही आपकी स्टडीज? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक यार। क्या नंबर आ जाते हैं? बस ठीक है, 3.4 CGPA तक है, ग्रेड अच्छा आ रहा है। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं, खुद को पढ़ने भी, अपने टीचर्स को? नहीं, खुद भी, और टीचर्स की भी काफी कोऑपरेटिव है, और जो साथ स्टूडेंट्स है, क्लास फेलोज है, उनका भी क्रेडिट है। और तो आपकी टाइमिंग्स क्या होती है पढ़ाई वगैरह या यहाँ पे क्लासेस की? टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे आ जाते हैं और 2:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं, डिफरेंट टाइमिंग, उसमें लैब्स भी है और क्लास थ्योरीज के लेक्चर भी है। ऑलराइट, इस वक्त प्रोग्राम में भूजो तो जीतो में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, सही जवाब पर प्रोग्राम की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। ऑलराइट, ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि 1980 में पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम क्या था? 1980 में पाकिस्तान के वजीर आजम का नेम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। 1980 में पाकिस्तान के वजीर आजम का नेम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ही होगा। लाहौर की दुनिया, सोचो। क्वेश्चन मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, 1980 में पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम क्या था? नहीं आ रहा, अभी आ रहा। चले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। जी, जवाब इन्होंने नहीं दिया, अब मैं किसी और से सवाल पूछती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो सही जवाब देते हैं या नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद सिकंदर शाह।
All right, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ से बीबीए कर रहा हूँ मैं. बीबीए कर रहा हूँ. तो अभी आप क्लास के बाहर हैं, छुट्टी हो गई है? इस टाइम फ्री हो गया मैं. अच्छा, फ्री हो गया. तो कब तक फ्री होने के बाद कब तक आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं? बस एक दो घंटे यूनिवर्सिटी में रहते हैं, फिर उसके बाद घर चले जाते हैं. Alright, तो कैसे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, मजा आता है या बस रोज होके काम टाइम निकलता है? फ्रेंड्स माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, तो गिनने के में भी नहीं आते. ये सारे फ्रेंड्स हैं. ये सारे आपके फ्रेंड्स हैं? इसमें से आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? अशर क्लब के मेंबर्स हैं सारे. हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अशर क्लब है हमारा, जो एक फैमिली की तरह है. हम जब भी क्लास से फ्री होते हैं तो हम साथ में बैठ के तो गपशप वगैरह एंजॉय करते हैं. तो इन सब में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, जिसका आप एक का अगर नाम लेना चाहें? नहीं, ये नाइंसाफी होगी. ओके, ना इंसाफी होगी. ठीक है, आप ना इंसाफी ना करें. अच्छा, मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करूंगी, सही जवाब देंगे तो प्रोग्राम बूझो तो जीतो की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा. ऑलराइट, यस. अच्छा, मुझे ये बताओ कि 1980 में पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम क्या था? आई थिंक ज़िया. चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देती हूँ, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, किसी से भी हेल्प ले लो. हेल्प ले ले शुमाइल भाई से. ऑप्शन आप बता दे. नहीं, ऑप्शन मैं आपको इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल सीधा सा होता है, जब इसको जस्ट आपको कंफ्यूज करना होता है. मैंने आपको एक भी ऑप्शन दे दिया, आपको जवाब मिल जाएगा. शुमाइल भाई प्लीज. 1980s में पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे? अयूब खान. तो मैं आप सबके लिए क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ. 1980 में पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम क्या था? माशाल्लाह, तो ज़ियाउल्लाह का ही था. फिरोज खान नून था, आई थिंक. आप ऑप्शंस बता दे. अच्छा चलो छोड़ो, तुम ये मुझे बताओ कि एक पर्सन है वो मैच शुरू होने से पहले मैच का एक्यूरेट स्कोर बता देते हैं, कैसे? एक्यूरेट स्कोर? मैच मैच शुरू भी नहीं हुआ, मैच शुरू होने से पहले वो स्कोर बता देते हैं कैसे? हाईलाइट से. हाईलाइट का बात ही, जब मैच शुरू खत्म हो चुका होता है, जब आप उसमें से हाईलाइट निकालते हो. अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ. जो मैच एनालिस्ट बैठे हुए जो हमारी पहचान फजे पाए की दुकान यहां जश्न में बहार सजने. एक्यूरेट बिल्कुल स्कोर बता देते. दिल को करार चल यार, जिसके इतने सारे दोस्त हैं उसका तो नहीं हारना बनता ना. हाँ, जीरो स्कोर ही होते. जीरो स्कोर ही होते. ये आपने, इन्होंने, जरा आप इनके ऊपर कैमरा डाले. अस्सलाम वालेकुम. जी वास्तव. क्या बताया आपने जवाब? जी, जीरो स्कोर बताया, वो स्टार्ट होने से पहले. बिल्कुल सही जवाब. अपने फ्रेंड के लिए क्लैपिंग करें. सारे क्लैपिंग करें इनके लिए. जी, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे प्रोग्राम की तरफ से इनके लिए. ये ले. जी, आपको बहुत बहुत मुबारक. जी, इनसे हमने बात की, इनको सवाल नहीं समझ आ रहा या जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं और भी लोगों से बात करती हूँ. और इस यूनिवर्सिटी में मेरे इर्द गिर्द मैं देख रही हूँ कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, मैं इनसे बात करती हूँ. लड़कों से तो हमने पूछ लिया, देखते हैं यहाँ की लड़कियाँ कितनी इंटेलिजेंट है. वैसे देखने में तो बहुत प्यारी लग रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? सारा. सारा क्या करते हो? मैं यहाँ BS ऑनर्स कर रही हूँ. ऑलराइट, कैसी जा रही है स्टडीज? बहुत टफ. टफ क्यों? सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट. ओ बोरिंग. अच्छा, तो क्या इंटरेस्ट था इधर, क्यों फिर स्टडी ये वाली चूज की? फील्ड शुरू से ही जो मेडिकल की थी, तो MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, तो आई चूज बायोटेक्नोलॉजी इन UCB. ऑलराइट, तो अब क्या दिल कर रहा है कि बस ये खत्म हो जाए स्टडी, कैसे मेरी जान छूटे? जल्दी से ये 8 सेमेस्टर्स हैं, फौरन से कंप्लीट हो जाए, जान छूट जाए बस. फिर क्या करोगी? फिर थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, थोड़ा स्टडीज से थोड़ा फ्री हैंड मिल जाएगा, इस वजह से. फिर घूमोगी? ऑफ कोर्स. कहाँ घूमना चाहती हो? मैं पाकिस्तान को ही देखना चाहती हूँ, पाकिस्तान में ही घूमना चाहती हूँ. पाकिस्तान में कौन सी जगह जो तुम्हारा दिल करे कि मैं यहाँ ज़रूर जाऊँ? कश्मीर. हाँ, नो डाउट, ज़रूर जाओ, बहुत प्यारी जगह है. इस वक्त प्रोग्राम में भूजो तो जीतो में, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, सही जवाब पे प्रोग्राम की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा. राइट, ओके. अच्छा, या अगर हम ऐसे भी करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, अगर उसको सॉन्ग आता है तो हम उसको सॉन्ग भी सुन लेते हैं या कुछ भी. अच्छा, मुझे ये बताओ कि 1980 में पाकिस्तान के वज़ीरे आज़म का नाम क्या था? 1980 में नवाज शरीफ. नवाज शरीफ था, बिल्कुल जी. हमारे प्रोग्राम की तरफ से इनके लिए भी क्या. थैंक यू. नूर की दुनिया, ओ ओ लाहौर की दुनिया, लाहौर की दुनिया, लाहौर न्यूज की दुनिया है. तू खबरें सुन और देखता जा, तू खबरें सुन और देखता जा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. क्या नाम है आपका? अहमद बिलाल. क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ जी, यहाँ पे UCB में. ऑलराइट, कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है.
ठीक हो गया। सो आप प्रोग्राम में भूजो तो जीतो पे मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो प्रोग्राम की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। ऑलराइट ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि तितली की कितनी टांगे होती हैं? तितली की टांगे मेरा नहीं ख्याल होती हैं, बस ये और निहारी चार तो के नाम है ना, फाइनल एक जवाब दें। श्योर जी? बिल्कुल सही जवाब, प्रोग्राम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। और आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ के बच्चे इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? क्योंकि इनको जो एजुकेशन दी जा रही है वो अल्लाह का शुक्र है, इतनी क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है कि टीचर्स फैकल्टी मेंबर सब लोग इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और इनका जनरल नॉलेज पर ज़्यादा जो है ना वो काम किया जा रहा है इनके ना, जनरल नॉलेज के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी जैसे कि आप देखा मैंने इनसे जवाब सवाल किया, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। अब मैं जा रही हूँ एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आती हूँ फिर और लोगों से बात करती हूँ। लेट्स हैव अ ब्रेक।